हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, नया नया खबर आई है कि पुतिन साहब को अरेस्ट वारंट जारी किया गया है आईसीसी से। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा इनको वारंट जारी, इनको अरेस्ट करने की वारंट जारी किया गया है। तो देखते हैं इशू क्या है। पहले तो आईसीसी के बारे में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय होता क्या है। देखिए, ये 1998 में रोम संधि के तहत ये बना था 1998 में, और ये लागू हुआ था 2002 में। ठीक है, ये किसके लिए होता है? जेनोसाइड, वार क्राइम। यदि किसी देश में या किसी देश में जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, या कोई देश दूसरे देश में जाकर ये काम कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, और क्या है, वार क्राइम का दोषी है, तो उसको क्या हुआ, आईसीसी सजा देती है। तो देखिए, बात यह है दोस्त कि ये जो है ना, इसका हेडक्वार्टर देखिए कहाँ है। हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में है ये, और इसके टोटल 123 मेंबर है। और जो मेंबर इस देश का नहीं है, देखिए, भारत, रूस, चीन, इजराइल, म्यांमार और अमेरिका। अमेरिका अभी कुछ दिन पहले ही निकला था डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि आईसीसी हमारे भी बंदों को उठा ले जाए। तो देखिए, पुतिन के ऊपर आरोप क्या है। यूक्रेन वार जो हुआ था 24 फरवरी को, इस 24 फेब में स्टार्ट हुआ था यह युद्ध, 24 फेब में। तो इसमें हुआ क्या था कि देखिए, इसके चलते क्या था, इन पे क्या क्या आरोप है, पहले उसको देखते हैं। देखिए, बच्चों के अधिकार के हनन का मामला है। पहला है कि ये इलीगल तरीके से बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकल के रशिया लेकर गए हैं। देखिए, इनके और इनके एक ऑफिसर है, उन पे है, दोनों पे। दूसरा है नरसंहार, मतलब जेनोसाइड हुआ है, लोगों को खूब मारा गया है, बम फोड़ फोड़ के, यूक्रेन में बहुत सारे बम फोड़ा गया है। ठीक है, जनसंख्या का अवैध निर्वासन, मतलब वहाँ की काफ़ी जनसंख्या को, क्योंकि आप बम गिराएंगे, आप वहाँ पर युद्ध करेंगे तो दिक्कत तो होगी, वहाँ की जनसंख्या कई और देश में चली जाएगी। ठीक है, तो अवैध निर्वासन, इलीगल तरीके से बाहर भेजा जाए युद्ध के कारण, ये तीसरा है इनका। और चौथा है अवैध हस्तांतरण का, मतलब ये होता है कि जैसे क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था और सारे जगह को ये अलग किए थे, तो इलीगल तरीके से आईसीसी का ये मानना है। तो क्या ये सही है, नहीं सही है, इसको देखते हैं। वार तो हुआ है, युद्ध तो हुआ है, और देखिए, पहली बात तो इसके थोड़े कंसेप्ट को समझते हैं। क्या आईसीसी का पहला अधिकार है कि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को वो अरेस्ट करवा सके? तो नहीं जी, नहीं। पहली बात तो ये कि नहीं। दूसरी बात, क्या अपने वो मेंबर को अरेस्ट करा सकता है जो कि उसके मेंबर नहीं है, आईसीसी के सदस्य नहीं है, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य नहीं है? तो देखिए, जो नहीं है उसमें रूस भी आता है, हमारा देश भारत भी है, चीन भी है, इजराइल भी है, म्यांमार भी है और अमेरिका भी है। ठीक है, पहले बात तो प्रेसिडेंट रूस जो है वो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, अभी चल रहे हैं। तो देखिए, ये कब होता है, ऐसा कब आईसीसी ऐसा निर्णय देती है किसी के खिलाफ? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा हो जाए कि उस देश में जो जस्टिस सिस्टम है फेल हो जाए, और यदि जेनोसाइड हो रहा है तो उसका जो हेड ऑफ स्टेट है वो उसके खिलाफ वारंट जारी करने से मना कर देता है। दूसरा, कि उस आईसीसी का सदस्य होना जरूरी है। तीसरा, इसको गिरफ्तार कौन करेगा? ये पावर तो आईसीसी का नहीं है, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का ये अधिकार नहीं है किसी को अरेस्ट करना। तो इसके जो मेंबर है 123 मेंबर, ये इन्हीं से अरेस्ट करवाएगा। तो इम्पैक्ट क्या होगा कि अब पुतिन के बहुत सारे जगह पर जाना, जो सदस्य स्टेट है वहां पर थोड़ा सीमित हो जाएगा, ये जा नहीं पाएंगे। लेकिन बात तो यही है कि पुतिन को पकड़ेगा कौन? पुतिन को पकड़ना इतना आसान नहीं है, इतने पावरफुल आदमी। हाँ, उसको पकड़ लिया तो पता चला कि वहाँ पर रशिया बम फेंके जा रही है, तो इतना बड़ा मुश्किल है। देखिए, इन केस में ऐसा देखा जाए तो अमेरिका को भी पकड़ना चाहिए, और काफ़ी अमेरिका राष्ट्रपति डरे भी थे आईसीसी से, इसीलिए ये बाहर भी निकले थे आईसीसी से। ये अमेरिका अभी रिसेंट ऐसा देश है जो
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर निकल गया है। तो पहली बात तो ये क्या, तो दूसरी बात यह है, अभी वहाँ के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाइए इनके साथ क्या क्या होता है। अभी चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो रशिया भी जाने वाले हैं, तो ये समस्या है। और वारंट जारी तो कर दिया है, लेकिन अब इतने बड़े पुतिन साहब को पकड़े गए, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका ने तो, बाइडेन साहब ने तो बोल दिया है कि भाई ये तो खुशी की बात है। बाइडेन साहब राष्ट्रपति वो तो बोलना, अमेरिका तो ऐसे भी बोलता रहता है। अब लेकिन बड़ी समस्या है कि इसको पकड़ेगा कौन, पकड़ना इतना आसान नहीं है। और उसके जस्टिस सिस्टम में आता है कि नहीं, सबसे पहले तो जो क्रिमिनल है उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा। रशिया के प्रेसिडेंट को कभी भी उसके कोर्ट में नहीं बुलाया गया, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऐसा कभी नहीं रशिया के अंदर हुआ कि उसके जो कोर्ट है वो पुतिन के खिलाफ केस को देखे, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। तो अब इसके बारे में आप लोग विचार करिए, ये सही है कि गलत है। और देखिए, ये तो बड़ी पावरफुल पावर के सामने तो आप समझ जाइए कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ही फेल है, ठीक है। और इतना आसान नहीं है पुतिन साहब को गिरफ्तार करना, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी तो वारंट जारी है, ऐसे तो रशिया ने मजाक उड़ाया है ICC का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, और ये एक बार नहीं हजारों बार मजाक उड़ा चुका है। तो अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि वारंट ये मजाक ही बन जाए, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ हुआ है यूक्रेन में। युद्ध कम से कम रुकना चाहिए, हमारा मत है। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।